सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जैसे हम सभी को पता है कि बहुत सालों पहले साइंटिस्ट रॉबर्ट हार्डिंग वेटेकर ने जो है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फाइव ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था, दैट इज किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटिंग। तो उनमें से आज हम सबसे पहला किंगडम दैट इज किंगडम मोनेरा स्टडी करने वाले हैं। तो जो है किंगडम मोनेरा को हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर स्टडी करेंगे, दैट इज माइक्रोस्कोपिक, सेकेंड इज प्रोकैरियोटिक, थर्ड इज जेनेटिक मटेरियल, फोर्थ इज सेल वॉल एंड फिफ्थ वन इज एटरोट्रॉफिक ईदर हेटरोट्रॉफिक। सबसे पहला किंगडम जो है वो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है उसका माइक्रोस्कोपिक। अब माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, सबसे पहला आइडिया तो लग ही गया होगा माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोपिक मीन्स कैन ओनली बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप्स, मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स किंगडम मोनेरा से बिलोंग करते हैं उन्हें हम नॉर्मल नेकेड आई से नहीं देख सकते। नॉर्मल अगर आई से, जैसे ये पेपर है विजिबल, इस पेपर को जैसे मैं देख पा रही हूँ, इस मार्कर को जैसे देख पा रही हूँ, वैसे हम किंगडम मोनेरा से रिलेटेड किसी भी ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते। अगर हमें किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स है उन्हें देखना है तो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप्स के अंदर ही दिखेंगे, वो इतने छोटे होते हैं। अब जो किंगडम मोनेरा का सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ कि नॉन वेल डिफाइंड एब्सेंस और एब्सेंस ऑफ एनी प्रोसेसेस का ये मतलब हुआ कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस में किसी प्रोसेस की, किसी चीज की कमी होती है जो अभी है नहीं। न्यूक्लियस में जब किसी चीज की कमी होती है उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि किंगडम मोनेरा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। इफ यू वांट टू नो समथिंग एडवांस इन प्रोकैरियोटिक, लिंक विल बी गिवन इन डिस्क्रिप्शन, आप प्रोकैरियोटिक स्टडी कर सकते हैं। अब हम किंगडम मोनेरा के कैरेक्टर नंबर 3 और 4 स्टडी करेंगे। अब थर्ड कैरेक्टर क्या होता है, जेनेटिक। अब जेनेटिक मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब है कि जब वो रिप्रोडक्शन करेगा तो उससे जो न्यू किंगडम मोनेरा बन रहा है, जो न्यू किंगडम ऑर्गेनिज्म बन रहा है वो बिल्कुल ही पहले वाले की तरह होगा, नॉट बिल्कुल ही बट उसकी तरह सिमिलर होगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक और ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है, ये दो अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म है। जब ये रिप्रोडक्शन करेंगे जो थर्ड वाला ऑर्गेनिज्म बनेगा वो बिल्कुल इनसे सिमिलर होगा, समझे। फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स है, ठीक है, जब आप हैं आप में अपने पेरेंट्स के कुछ फीचर्स हैं, लाइक किसी के मुंह अपने मम्मी की तरह होगा, किसी का कुछ ना कुछ, मतलब कुछ ना कुछ अपने पेरेंट्स से होगा। तो इसमें यही बताया गया है कि जब किंगडम मोनेरा से बिलोंग किए हुए दो ऑर्गेनिजम्स जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो जो थर्ड ऑर्गेनिज्म बनता है वो इन दोनों के सिमिलरिटी से ही फॉर्म होता है। अब जो फोर्थ वाला है वो है सेल वॉल मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट। इसका ये मतलब है कि किंगडम मोनेरा में जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं। सो जो है अब हम आते हैं इसके लास्ट कैरेक्टरिस्टिक पे, दैट इज ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। अब इसका मतलब क्या, ऑटोट्रॉफिक मीन्स क्रिएट देयर ओन फूड, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन बींग्स ही अपना खाना खुद बनाते हैं। एंड सेकेंड इज हेटरोट्रॉफिक, मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, जो किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट रहते हैं। ओके, सो हमें इससे ये पता चलता है कि जो किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो या तो ऑटोट्रॉफिक यानी खुद का खाना बना भी सकते हैं या खुद का खाना नहीं भी बना सकते। तो जो है यहाँ पर हमारे 5 के 5 कैरेक्टर्स पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं और यही सब कुछ था हमारे किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करने वाली स्ट्रेटेजी।